जो लाइफ में मेरा माइंड सोचता है, पूरा जो वर्ल्ड सोचता है, एक इंसान जो सोचता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको ऐसा फील होगा कि मैं गाने को अपने सबसे क्लोज फ्रेंड, चाहे वो उसका भाई हो, ब्रदर हो, लवर हो, बेटा हो, वो सबसे क्लोजेस्ट पर्सन जो उसकी लाइफ में है, उसके लिए मतलब उसको फील आए कि मैं उसके लिए सुन रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत जब प्यार मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये गाने सभी अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे, एक दो दो साल के, कई कुछ महीने के हैं, जब ये 100 साल के हो जाएंगे तो तब और ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये तब मिलियन ही मिलियन होंगे। और पंच शायद भगवान साथ है और आप लोग साथ हैं, चल रहा है बस, अभी शुरुआत है जस्ट। जिक्र तेरा का इंस्पिरेशन हूँ मैं खुद, ठीक है। जिक्र तेरा में जैसे आप सुनते हो मेरी रिंग टोन में जिगर तेरा, तो रिंग टोन में भी मेरा ही जिगर हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये सब सारे गाने आज तक के मैंने खुद के लिए लिखे हैं और खुद को सोच के ही लिखे हैं। एक तो लोग सोचते हैं कि सिंगर्स बिल्कुल सोच समझ के खाते हैं सारी चीज़, मतलब ये खाना है मेरे को, ये नहीं खाना, बट मैं कभी नहीं सोचता मेरे को क्या खाना है और क्या नहीं खाना, जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं खाता हूँ। कई ये सोचते हैं कि ये सिर्फ ब्रांड्स के साथ, इनके मतलब सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ये है वो है, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं पहनता हूँ, चाहे वो कोई ब्रांड हो सब, चाहे वो किसी नॉर्मल शॉप हो, वो किसी भी नॉर्मल शॉप पे अवेलेबल हो, जो अच्छा है वो पिक कर लेते हैं। और लोग ये सोचते रहते हैं कि ये सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो पहन जो इंसान मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को जो कंफर्टेबल है सिर्फ वही पहनते हैं। और तीसरी चीज़ है, मैं रियाज बहुत कम करता हूँ, मैं सीधा रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं बहुत कम गाना, मतलब मैं खुद का बताऊँ तो मैं लिखता भी नहीं हूँ पहले गाना, जब माइक पे आता हूँ तो खुद ही ऑटोमेटिक आ जाता है। मैं एक्चुअली सबसे जो बेस्ट अभी तक मेरे को फील होता है वो ये होता है, पहले मैं वर्सेटाइल, जैसे मैं पहले हिंदी गाने मैंने आज से 2014-15 में लिखना स्टार्ट कर दिया था, वो भी बिल्कुल कमर्शियली, पंजाबी गाने भी मैंने लिखने और हरियाणवी भी थे, बट किसी ने मेरे को कोई बंदा था मेरा खास, मैंने उससे जब बताया कि ऐसे ऐसे है, तब मैं बड़ा आर्टिस्ट नहीं था, मैं जस्ट एक स्ट्रगलर था, स्टार्टिंग थी, जर्नी की स्टार्टिंग थी तब। तो एक बंदे ने मेरे को बताया, मतलब बोला, उसने सजेस्ट किया कि भाई आप हरियाणा से हो, प्लीज़ हरियाणवी गाने करो ना आप, तो उसके बाद में मेरे को यहाँ लगी कि ये सही कह रहा है, और जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, और इससे एक इम्प्रूवमेंट भी आएगी हमारी, मतलब जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी अच्छी और क्लीन भी हो जाएगी। तो मैंने पहला गाना जो मेरी लाइफ का था वो हरियाणवी से स्टार्ट किया, और अभी हरियाणवी चल रहे हैं, इन फ्यूचर इंग्लिश भी आएंगे, हिंदी भी आएंगे, पंजाबी भी आएंगे, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज आएगी, वो मेरी खुद की मर्जी है। तो वो राय सबसे बेस्ट थी कि आज लोग प्राउड से बोलते हैं कि मैं हरियाणा से हूँ, इंडिया से हूँ, पूरी धरती से हूँ, बेसिकली एक ही है सब, बट एक प्राउड की बात है कि हरियाणवी गाने सुनने से इतना मतलब फीलिंग फुल हो जाते हैं लोग, कि वो गाने में खो जाते हैं, जिस जेनर का गाना है उसी में बिल्कुल खोते जाते हैं, चाहे फीलिंग्स हो, भोलेनाथ हो, परिंदे हो, यार की शादी हो, तो वही चलता रहता है उनके माइंड में, शादी है तो यार की शादी चलना ही है, और गाने जब तक है जब तक धरती है। मैं यही एडवाइस दूंगा उनको कि सब कुछ ऑनलाइन है भाई, आप जहाँ बैठे हो वहीं से, आपको खुद नहीं पता आप क्या कर सकते हो, तो अपने अंदर झांको और बिल्कुल अपना बेस्ट करने का सोचो। ऑनलाइन है सर, कैमरा से रिकॉर्ड करो, माइक, जिस भी आप फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप परफेक्ट खुद को समझते हो, जो आप करना चाहते हो खुल के करो बस, चाहे म्यूजिक हो, फोटोग्राफी हो, स्टडी हो, सब कुछ बिल्कुल दिल से करो, सब कुछ होएगा।